आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में तो देखो, इस साल हमारे देश को आजाद होने में पूरे 75 साल पूरे हो रहे हैं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष इसको एक सेलिब्रेशन की तरह ले रहा है, तो वहीं विपक्ष के कुछ अपने सवाल है कि किस बात का सेलिब्रेशन। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, रुपया इतना तेजी से गिर रहा है, वगैरह वगैरह, जो कई हद तक सही भी है। पर वेट, आज मैं आपको इन शोर शराबों से काफी दूर, करीब 75 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, या यूं कह लो जहाँ से हमारे देश की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947। कैसा था 1947 का भारत? कैसे उस समय लोग जीते थे? कितनी महंगाई थी? एक लीटर पेट्रोल का दाम कितना होता था? कितने रुपए में हमें सोना मिल जाता था? या एक आदमी हर साल कितना रुपया कमाता था? और भी कई सारी चीजें। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। देखो, 15 अगस्त 1947 को जहां सबके चेहरे पर आजाद होने की खुशी थी, तो कहीं ना कहीं पार्टीशन का गम भी था। उन कुछ महीनों के अंदर ही पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में करीब 2 से 20 लाख लोगों की जान चली गई थी। करीब 1 से 2 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था, जो आज भी मानव इतिहास में एक रिकॉर्ड की तरह है। भारत के विभाजन ने सबको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। उस वक्त भारत का टोटल पॉपुलेशन मात्र 36 करोड़ था, जिसको कि अगर आज की तुलना में देखें तो आज भारत का टोटल पॉपुलेशन करीब 140 करोड़ पार कर चुका है, और बहुत जल्द ही हम चाइना को क्रॉस करके दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनने वाले हैं। 1947 में भारत की लिटरेसी रेट की बात की जाए, तो उस वक्त भारत की लिटरेसी रेट केवल 12% थी, यानी कि हर 100 में से केवल 12 लोग ही ऐसे थे जो पढ़ लिख सकते थे, जबकि आज ये बढ़कर 77% को पार कर चुकी है। उसमें भी केरला की लिटरेसी रेट हाईएस्ट 96% है, जबकि आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट लोवेस्ट 67% है। उस वक्त भारत में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उस वक्त भारत की 80%, यानी कि हर 100 में से 80 आदमी गरीबी रेखा से नीचे आता था, जबकि आज ये सिचुएशन केवल 22% तक रह गया है। और इसको कम करने में ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीजों का एक अहम योगदान है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 में एक आदमी औसतन केवल 34 साल तक जी पाता था, जबकि आज ये डबल हो चुका है। अब हर आदमी भारत में करीब 69 साल तक अपनी लाइफ जी पाता है। अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, तो 1947 के समय हमारे देश का टोटल इकोनॉमिक साइज केवल 2.7 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर करीब 140 लाख करोड़ रुपए तक चला गया है। उस वक्त जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन करीब 50% तक रहता था, जो अब घटकर मात्र 16% रह गया है। आजादी के बाद का पहला बजट जो पेश किया गया था, वो मात्र 197 करोड़ रुपए का था। अजीब है ना, लेकिन अब ये बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपए तक चला गया है। 1947 में आपको $1 के बदले करीब 3.5 रुपए मिल जाता था, जो अब गिरकर इतना नीचे गिर चुका है कि अब आपको $1 के बदले करीब 80 रुपए मिलते हैं। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, तो 1950-51 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 1000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 46 लाख करोड़ रुपए तक चला गया है। उस वक्त सालाना एक आदमी की कमाई 274 रुपए होती थी। जस्ट इमेजिन, एक आदमी साल भर में मात्र 274 रुपए कमाता था। आज तो इतना पैसा एक महीने का मोबाइल डेटा खरीदने में ही लग जाता है। अगर हम आज की तुलना करें, तो आज हर आदमी सालाना 1,26,000 रुपए कमाता है। खैर, उस वक्त हमारे जीवन के सारे खर्चे 54, 58 और ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 1 रुपए के अंदर सिमट जाती थी। उस वक्त नोट का इतना प्रचलन नहीं था, और ना ही इसकी जरूरत महसूस होती थी। अभी अगर आप मार्केट में 10 ग्राम सोना खरीदने जाओ, तो आपको करीब 50,000 रुपए देने पड़ जाएंगे, जबकि उस वक्त आप ये सेम क्वांटिटी मात्र 90 रुपए में खरीद सकते थे। आज तो 90 रुपए में एक लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है, तो सोना तो बहुत दूर की बात है। उस वक्त एक लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 27 पैसे थी। 27 पैसे, 1 रुपए का चौथाई समझ लो। अच्छा, उस वक्त हमारे देश में इतनी गाड़ियां भी कहां चलती थी? पूरे देश को मिला दो तो करीब 3 लाख गाड़ियां ही तो थी, जो आज बढ़कर करीब 30 करोड़ के पार पहुंच गई है। 1947 में हमारे पूरे देश में मात्र 1.5 लाख स्कूल थे, जिसमें कि 1.40 लाख में प्राइमरी स्कूल आते थे, जबकि 12,000 जो अन्य बस्ती थे उसमें मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल आते थे, जो अब बढ़कर 15 लाख तक पहुंच चुका है। उस वक्त हमारे देश में मात्र 414 कॉलेजेस थे, जो अब बढ़कर 42,000 के पार चला गया है। 1947 में हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या मात्र 30 थी, जो अब बढ़कर 541 हो गई है। मतलब ऑल ओवर कहा जाए तो हमारे देश ने इन 75 सालों में काफी सारा बदलाव देखा है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ नेगेटिव भी हुए हैं। इसमें ज़्यादातर मुझे लगा कि पॉजिटिव ही चला गया। खैर, कोई बात नहीं, इस साल हम अपने देश के 75 साल आज़ाद होने कंप्लीट कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ बनती है। लेकिन हाँ, हमें इसको ध्यान में रखकर इसके बहुत आगे जाना है। हमें और भी बहुत सारा चीज़ अचीव करना है, ताकि जो सपना हमने कभी अपना कल्पना की हो कि ऐसा भारत हो, या फिर जैसा हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे एंसेस्टर ने देखा हो, तो वैसा भारत बनाने की हम कल्पना कर सकते हैं और उसमें अपना योगदान दे सकते हैं।
ताकि 2047 में जब हम अपने देश को आज़ाद होने के शताब्दी वर्ष मना रहे हो तो हमारे ऊपर कोई ऐसा मलाल ना रहे, हम एक सुपर पावर बनकर उभरे, हमारे देश में एक अलग सी पहचान हो। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसी नोट पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वाला वैसे कोई मतलब कि भाई क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्टेड नहीं था।